स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल तेलंगाना बिल का विरोध कर रहे सांसद राजगोपाल ने कुछ सांसदों पर मिर्ची का स्प्रे यानी कि पेपर स्प्रे जिसको कहा जाता है चिली स्प्रे भी कहा जाता है उसकी वजह से कुछ सांसदों की आंखों में ऑल थ्रू द इवनिंग रनिंग फ्यूड बिटवीन द पुलिस एट द तेलंगाना सपोर्टर्स थ्रोइंग स्टोन एट द पुलिस फोर्स इन द पुलिस फोर्स इन टर्न इंटर चाइज एज वेल एस लॉबिंग ऑफ किया गया शेल्स सभी तस्वीरें और विजुअल्स उस तेलंगाना की है। तेलंगाना हैं। जिसके बाद हमेशा के लिए आंध्र प्रदेश से अलग हो गया ऑफिशियली जब तेलंगाना सेकेंड जून 2014 को फॉर्म हुआ उस टाइम पर हर कोई यही सोच रहा था कि एक नए स्टेट के रूप में तेलंगाना को आंध्रा से ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा क्यूँकी आंध्रा उस समय पर सदर इंडिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ स्टेट था लेकिन डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी डीपीआई की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में पहले नंबर पर होने के बावजूद आंध्रा के रियलिटी इन सबसे अलग है और इन दोनों के अलग हुए लगभग नौ सालों के बाद जहां तेलंगाना ने डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट्स में रफ्तार पकड़ ली है वहीं आंध्रा इन सब ऐसी दूर कास्ट पॉलिटिक्स में उलझा हुआ नजर आता है स्वागत तो है आप सभी का स्टडी आई में अनुराग पांडे नाम है हमारा और आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे की कैसे आंध्रा में कास्ट पॉलिटिक्स स्टेट के डेवलपमेंट को रोक रही है दोस्तों भारत जब आजाद हुआ उस टाइम पर आंध्र प्रदेश जैसा कोई भी अलग स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता था लेकिन 1950s में तेलुगु बोलने वाले लोगों के लिए एक अलग स्टेट की मांग शुरू हुई और ये मांग इसलिए भी जन आंदोलन में बदल गई क्योंकि एक अलग राज्य की मांग करने वाले पोटी श्रीमालू की भूख हड़ताल के दौरान मौत हो गई दोस्तों इसके चलते केंद्र सरकार को भी तेलुगु भाषी लोगों की मांग के आगे झुकना पड़ा जिसके बाद मद्रास और हैदराबाद के तेलुगु बोलने वाले लोगों को एक साथ मिलाकर फर्स्ट नवंबर नाइनटीन को एक अलग राज्य बना दिया देखा जाए तो इस तरीके से भाषा के आधार पर देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना जिसने भारत के विकास में भरपूर योगदान भी दिया लेकिन 2014 में तेलंगाना के बन जाने से हैदराबाद आंध्र प्रदेश से अलग हो गया हैदराबाद के जाने से आंध्रा को कितना नुकसान हुआ आप इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि सिर्फ हैदराबाद और उसके आसपास के इलाके से ही पूरे स्टेट का 55 परसेंट रेवेन्यू जनरेट होता था यहाँ तक की आंध्रा से सेंट्रल गवर्नमेंट को जाने वाले रेवेन्यू का सिक्सटी हिस्सा हैदराबाद से ही जाता था ऐसे में हैदराबाद के आंध्रा से अलग होने के बाद डेवलपमेंट पर फोकस करने के लिए बजट की कमी होने लगी साथ ही आंध्रा से सेंट्रल गवर्नमेंट को जाने वाला रेवेन्यू भी कम होने लगा जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी आंध्र प्रदेश को इग्नोर करना शुरू कर दिया फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश में खोखली जातिगत राजनीति के अलावा और कुछ करने का मोटिवेशन नहीं बचा और इस तरीके से स्टेट में कास्ट पॉलिटिक्स डेवलपमेंट के मुकाबले एक बड़ा मुद्दा बन गई ऐसे में ये समझते हैं कि आंध्र प्रदेश की पुअर ग्रोथ के पीछे कास्ट पॉलिटिक्स किस तरीके से जिम्मेदार है दोस्तों हमें आंध्र प्रदेश की कास्ट पॉलिटिक्स को समझने के लिए वहां की कास्ट बेस्ड डेमोग्राफिक्स पर नजर डालना होगा देखिए आंध्रा में बैकवर्ड कास्ट की पॉपुलेशन करीब 37 परसेंट है और ये बैकवर्ड कास्ट स्टेट में मेजोरिटी में है क्योंकि यहाँ पर फॉरवर्ड कास्ट की पॉपुलेशन थर्टी के आसपास है इन सबके अलावा सिक्सटीन शेड्यूल कास्ट सेवन परसेंट माइनॉरिटीज और सिक्स की शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन है ऐसे में आंध्रा का सबसे बड़ा वोट बैंक बैकवर्ड कास्ट का ही है यानी कि बैकवर्ड कास्ट के लोग जिस पार्टी के साथ जाते हैं उनका जीतना आसान होगा हालांकि 37 परसेंट की पॉपुलेशन काफी कॉम्प्लेक्स भी है दरअसल बैकवर्ड कास्ट की पॉपुलेशन 12 से ज्यादा छोटी कम्युनिटीज में डिवाइडेड है और सारी कम्युनिटीज की आपस में यूनिटी भी नहीं है जिसकी वजह से बैकवर्ड कास्ट की सभी कम्युनिटीज को एक साथ जोड़ना किसी एक पार्टी के लिए बहुत मुश्किल काम होता है देखा जाए तो इसी के चलते बहुत से लोग कास्ट की गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं और गवर्नमेंट जरा सा भी उनके खिलाफ कोई काम करती है तो वो उसे अपने कास्ट के खिलाफ समझ लेते हैं और इसी के चलते आंध्रा में एक अनस्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशन खड़ी हो जाती है जिससे निपटने के लिए गवर्नमेंट को मजबूर होकर फ्री बीज और की वेलफेयर असर स्टेट के बजट पर कंटिन्यू की तैयारी को और भी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रीहेंसिव बनाने के लिए स्टडी आई आपके लिए लाया है दैट मीन्स प्रिलिम्स टू इंटरव्यू प्रोग्राम टू जरिए आप फोर दोस्तों एंड इंटरव्यू यानी यूपीएससी एग्जाम के तीनों स्टेज की तैयारी एक साथ कर सकते हैं यूपीएससी सिलेबस को कंसीडर करते हुए इस बैच में आपको लाइव क्लासेस के थ्रू बेसिक टू तो एडवांस कवर कराया जाएगा साथ ही मेंटोरशिप टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स नोट्स और बुक्स ये सब कुछ भी आपको इस बैच में मिल रहा है

अदर कास्ट की पॉपुलेशन करीब थर्टी थ्री परसेंट है जिसमें कापूस नाम की कम्युनिटी की पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन में फिफ्टीन परसेंट से ज्यादा है और यही कम्युनिटी पूरे स्टेट की सबसे बड़ी कम्युनिटी है इनके अलावा रेड्डीज और कमाज कम्युनिटी के लोग हैं जिनकी पॉपुलेशन तो ज्यादा नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी शुरू से स्टेट की टॉप लीडरशिप में रेड्डीज और कमाज का ही डोमिनेंस रहा है और आंध्रा के करंट सीएम जगनमोहन रेड्डी भी रेड्डी कम्युनिटी से ही आते हैं ऐसे में आंध्रा के करंट सीएम को अपनी कम्युनिटी के लोगों को खुश रखना ही है लेकिन उसके साथ ही उन्हें यह भी ध्यान देना है कि 37 परसेंट की बैकवर्ड क्लास और 15 परसेंट की सबसे बड़ी कम्युनिटी यानी कि कापूस भी उनके साथ चले देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि आंध्रा में गवर्नमेंट बनाने वाली पार्टीज के पास हमेशा से वोट शेयर इतना क्रिटिकल होता है कि जरा सा वोट शेयर इधर उधर शिफ्ट होते ही सरकार गिर जाती है ऐसे में आंध्रा में जितने भी बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं सरकार उन्हीं को फोकस में रखकर काम करती है लेकिन चैलेंज तब और बड़ा हो जाता है जब आंध्रा की बैकवर्ड कास्ट की सब कास्ट के लिए काम करना पड़ता है और इसकी वजह से क्लियर फॉरकास्टिंग नहीं हो पाती यानी कि जो बैकवर्ड कास्ट की सारी कम्युनिटीज है वो किस पार्टी के साथ जा रही हैं दोस्तों आम बोलचाल की भाषा में कहें तो ये पूरा ही बैकवर्ड कास्ट अलग अलग खेमों में डिवाइडेड है ऐसे में अब बारी आती है फॉरवर्ड कास्ट की जैसा कि हमने आपको बताया था कि यहाँ की रूलिंग हिस्ट्री में रेड्डीज और कम्माज रहे हैं जबकि उनकी पॉपुलेशन कम है लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कम्युनिटी कापूस ही इस पूरे पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा रोल प्ले कर रही है ऐसे में कापूस के इंटरेस्ट को प्रियोरिटी में रखना भी हर पार्टी की मजबूरी हो गई है देखा जाए तो कुछ सालों पहले ही तेलुगु सुपरस्टार चिरंजीवी ने कापूस को एक साथ यूनाइट करने के लिए एक नई पार्टी भी बनाई थी जिसका एम आंध्रा के मेन पॉलिटिक्स में कापूस को स्टैब्लिश करना था लेकिन बाद में चिरंजीवी ने अपनी पार्टी को कांग्रेस के साथ मर्ज कर लिया और इस पार्टी के मर्जर हो जाने के बावजूद भी कापूस कम्युनिटी के मेन में आने का स्ट्रगल कम नहीं हुआ फिर चिरंजीवी के छोटे भाई पवन कल्याण ने एक नई पार्टी जनसेना को बनाकर अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी को शो किया और इस पार्टी का भी मेन एम पूरे आंध्रा में फैले हुए कापूस को एक साथ करना जिससे कि वो इलेक्शन में एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सके लेकिन दोस्तों पवन कल्याण की पार्टी ने जिस तरीके से अलग अलग पार्टीज के साथ अलायंस किए उससे उनका पॉलिटिकल ट्रैक रिकॉर्ड खराब होता रहा जिसकी वजह से उनके ऊपर कापूस कम्युनिटी का फेथ नहीं जुड़ पाया है ऐसी स्थिति में आंध्रा की सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली कम्युनिटी अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अलग अलग पार्टीज के साथ बढ़ चुकी है देखा जाए तो इससे होता यह है कि जो भी गवर्नमेंट पावर में आती है वह अपने साथ जोड़ने के लिए फ्री बीज और इनको इन्फ्लुएंस करने वाली गवर्नमेंट स्कीम्स को लागू करती है जिससे कास्ट बेस्ड वोट बैंक तैयार हो जाए वहीं दूसरी ओर यही फ्री बीज और वेलफेयर स्कीम सरकार के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन डाल देती हैं और इससे होता यह है कि जितने इकोनॉमिकल और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टेट में होने चाहिए उसका कुछ हिस्सा भी पूरा नहीं हो पाता है दोस्तों कहा तो ये भी जा रहा है कि आंध्र प्रदेश अपने रेवेन्यू से ज्यादा डेट लिए जा रहा है जो कि उसे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइनेंशियल क्राइसिस की ओर ले जा रहा है और यहाँ पर हम जिस डेट की बात कर रहे हैं आप उसे तरीके से समझ सकते हैं कि 1956 से लेकर 2019 तक ने केंद्र सरकार से 2.53 पॉइंट करोड़ रुपए लोन लिए हैं जबकि करंट वाईएसआर कांग्रेस गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से महज चार सालों में 6.38 पॉइंट करोड़ का लोन ले लिया है और ऐसा अनुमान है कि 2014 तक ये खर्च 10 लाख करोड़ का हो जाएगा जो आंध्रा को बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस की ओर ले जा रहा है दोस्तों कई पॉलिटिशियंस ने तो आंध्र प्रदेश की करंट गवर्नमेंट को श्रीलंकन गवर्नमेंट तक से कंपेयर कर दिया है और ऐसा इसलिए क्योंकि आंध्रा गवर्नमेंट इस समय आंध्रा के लॉन्ग विजन को देखने के बजाय एक मायोपिक अप्रोच से काम कर रही है इस तरीके से आंध्रा इकोनॉमिकल और स्ट्रक्चरल बर्बादी में देश का सबसे बड़ा राज्य बना हुआ है और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आरबीआई ने भी आंध्रा को कई मौकों पर उसकी फिजिकल वर्ल्डी के लिए रेड फ्लैग दिखाया है ये डेट रिडन स्टेट ऑफ कंटेन्जेंट लाइबिलिटीज के बर्डन के तले दब रहा है और ये कंटेंजेंट लाइबिलिटीज स्टेट के जीएसडीपी पर 5 परसेंट से ज्यादा का भार बढ़ा रही हैं। दूसरे से पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के एक साथ होने की वजह से उसके रिच कल्चर एजुकेशन लेगेसी और फॉरेन रिम्यूनरेशन की वजह से स्टेट को काफी फायदा होता था साथ ही अलग अलग ज्योग्राफिकल टेरेन्स की कम्बाइंड वेल्थ भी स्टेट के प्रोग्रेस में बड़ा रोल प्ले करती थी लेकिन ये सारे फाउंडेशन सब आंध्रा से गायब होते नजर आ रहे हैं खर्च की चपेट में डूबे आंध्रा के पास किसी भी तरीके का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट नहीं है जिससे कि वो इस कंडीशन से डील कर सके दोस्तों इन सब के अलावा आंध्रा के लिए सिचुएशन कितनी खतरनाक है इसे वहाँ के एफ डी इनफ्लो से भी समझ सकते हैं जिसमें टू से टू तक करीब नाइन्टी की गिरावट आई है जो दिखाता है कि आंध्रा के एडमिनिस्ट्रेशन और वहां की पॉलिटिक्स में बहुत सारे ऐसे फॉल्ट हैं जो स्टेट को जल्दी बैंक कर सकते हैं दोस्तों यहां तक की कंडीशन ऐसी हो गई है कि अगर केंद्र सरकार अपना हेल्प पैकेज आंध्रा को ना दे तो ये स्टेट सर्वाइव भी ना कर पाए आंध्रा के अगर डेट और जीएसडीपी रेट को देखें तो वो करीब 32 परसेंट नजर आता है जबकि एफ यानी कि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट ने इस रेशियो को 20 परसेंट से कम ही रखने की सलाह दी है और इससे आप ये क्लियर समझ सकते हैं कि क्यों आंध्रा को श्रीलंका से कंपेयर किया जा रहा है देखा जाए तो यहाँ पर भी श्रीलंका की तरह डेट और जीडीपी का रेशियो सेट लिमिट से बहुत ज्यादा हो रहा है दोस्तों आंध्रा के पुअर एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसीज का नतीजा है कि वहाँ पर अनावश्यक रूप से थ्री कैपिटल बनाने का काम चल रहा है जिसकी वजह से आंध्रा की असली दिक्कतों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है ऐसे में आइए समझते हैं कि कैसे आंध्रा के थ्री कैपिटल विजन की वजह से स्टेट अंडर डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है दोस्तों 2014 में जब तेलंगाना आंध्रा से अलग होकर एक सेपरेट स्टेट बना उस टाइम पर की कैपिटल हैदराबाद भी तेलंगाना के हिस्से में चली गई ऐसे में आंध्रा की पहली प्रायोरिटी थी एक कैपिटल को डेवलप करना साल 2014 में आंध्र प्रदेश की कमांड टीडीपी गवर्नमेंट के हाथों में थी उस टाइम पर सीएम थे एन चंद्रबाबू नायडू दोस्तों इन्होंने कृष्णा नदी के किनारे छोटे छोटे गाँव और उसके बेसिन पर मौजूद लैंड को एक साथ मिलाकर आंध्रा की कैपिटल बनाने का प्लान किया था जिसे अमरावती नाम दिया गया था दरअसल ऐसा करने के पीछे चंद्रबाबू नायडू का तर्क यह था कि बतौर राजधानी अमरावती आंध्र प्रदेश के तीनों रीजियंस के बिल्कुल सेंटर में है जो से आंध्रा के कैपिटल के लिए बेस्ट प्लेस बनाता है लेकिन उस टाइम अपोजिशन के लीडर जगन मोहन रेड्डी ने नायडू गवर्नमेंट के इस फैसले को अपोज किया हालांकि इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्रा के नए कैपिटल के तौर पर अमरावती को डेवलप करने के लिए फाउंडेशन स्टोन रखा साथ ही केंद्र सरकार ने इसे पूरे तरीके से डेवलप करने के लिए प्रोमिस भी किए और अपने पहले टर्म में मोदी गवर्नमेंट ने इस काम के लिए फिफ्टीन हंड्रेड करोड़ रुपए का फंड भी दिया लेकिन इससे पहले कि आंध्रा की नई कैपिटल के तौर पर अमरावती को पूरे राज्य में एक्सेप्टेंस मिलती नायडू गवर्नमेंट पर कास्ट पॉलिटिक्स करने के आरोप लग गए दरअसल एन चंद्रबाबू नायडू वहाँ के कम्मा कम्युनिटी से आते हैं और अमरावती में जिन किसानों की जमीनों को राजधानी के लिए एक्वायर किया गया था वो किसान भी कम्मा कम्युनिटी से बिलोंग करते थे यही वजह थी कि नायडू सरकार पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपने कम्युनिटी के किसानों को बेनिफिट्स देने के लिए अमरावती का चयन किया और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट जब राजधानी के लिए लैंड एक्विजिशन कर रही थी उस टाइम पर यह पाया गया कि कुछ इलाकों में जमीन के दाम बहुत ही ज्यादा हो गए थे दोस्तों उस टाइम पर पर जो 8 से थेक्टेर की जमीन थी उसकी कीमत 1.5 से 2 करोड़ पहुंच गई थी और इसका सीधा फायदा कम्मा कम्युनिटी के किसानों को हुआ साथ ही नायडू सरकार को इसलिए भी क्रिटिसाइज किया गया है क्योंकि उन्होंने हैदराबाद सेंट्रिक मॉडल को अपने कैपिटल पर इम्प्लीमेंट करने से पूरी तरह से इनकार कर दिया

नायडू के विजन से बिल्कुल अलग सोचा और स्टेट में एक ही जगह पर तीन कैपिटल डेवलप करने का प्लान डिक्लेयर कर दिया देखा जाए तो उसकी वजह से कैपिटल आंध्रा के तीनों रीजन में इक्वली डिवाइड हो गया और इसे आंध्रा के ग्रोथ इम्बेलेंस के रेमेडी के तौर पर देखा गया दोस्तों आंध्र प्रदेश में कमाज लार्जली साउथ कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं जो कि शुरुआत से टीडीपी पार्टी के साथ रहे हैं और जब रेड्डी गवर्नमेंट ने थ्री कैपिटल प्लान को डिक्लेयर किया तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान भी इसी कम्युनिटी को हुआ क्योंकि कम्मा ने अमरावती को फ्यूचर कैपिटल के तौर पर देखते हुए यहाँ के लैंड्स पर भारी इन्वेस्ट किया था ऐसे में जब अमरावती से फुल फुलफ्लेस्ड कैपिटल बनने का हक छीन लिया गया तो कम्माज को फाइनेंशियली काफी लॉस हुआ जिसे कई पोलिटिकल एक्सपर्ट जगनमोहन रेड्डी का मास्टर स्ट्रोक भी कहते हैं क्योंकि इसके चलते उन्होंने न सिर्फ टीडीपी को सत्ता से हटाया बल्कि उनकी सबसे बड़ी सपोर्टिंग कम्युनिटी जो काफी रिच होती है उसके फाइनेंशियल रूट को भी कमजोर कर दिया जिसका असर आने वाले इलेक्शंस में भी देखने को मिला देखा जाए तो इस पॉलिटिकल वॉर में आंध्र अब तक अपने कैपिटल को ढूंढ रहा है यहां तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इस प्रॉब्लम पर कोई ध्यान नहीं है और इस सिचुएशन में आप ये समझ सकते हैं कि जिस स्टेट की कैपिटल ही क्लियर नहीं है वहां का एडमिनिस्ट्रेशन कितना फेडेड होगा दोस्तों इस तरीके से आंध्रा जैसे एक स्टेट बना रीजनल पार्टीज ने भी अपना कास्ट वॉर शुरू कर दिया नायडू ने जैसे ही अपनी कम्युनिटी को प्रमोट करने की कोशिश की आंध्रा में एक सोशल डिवाइड क्रिएट हो गया और इसके चलते अब जगन रेड्डी भी उनकी तरह रेड्डी कम्युनिटी के लिए ज्यादा बायस्ड नजर आते हैं और पूरा स्टेट डेवलपमेंट और फाइनेंशियल ग्रोथ की जगह कास्ट पॉलिटिक्स के चक्करों में पड़ा हुआ है दोस्तों कैपिटल क्राइसिस के साथ ही साथ आंध्रा में करप्शन क्राइसिस भी इस समय अपने पीक पर है साल दो की सीमेस इंडिया करप्शन स्टडी की रिपोर्ट के मुताबिक आंध्रा देश का चौथा सबसे करप्ट स्टेट है एक सर्वे के मुताबिक आंध्र प्रदेश में करीब 95 परसेंट लोगों ने माना है कि आंध्र प्रदेश में उन्हें भयंकर घूसखोरी झेलनी पड़ी हाई करप्शन के चलते स्टेट में बहुत से डेवलपमेंट प्रोग्राम अधूरे पड़े हुए हैं ऐसे में अगर तेलंगाना से आंध्रा को कंपेयर किया जाए तो 2022 से 23 में जहां आंध्रा ने 94,960 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया वही तेलंगाना का रेवेन्यू थर्टीन लैक्स करोड़ था और इस बड़े गैप से समझना आसान हो जाता है की आंध्रा की कंडीशन कितनी खराब है और दोस्तों इन सब में कास्ट का एंगल पूरे तरीके से इन्वॉल्व है देखा जाए तो कास्ट कैपिटल और करप्शन की वजह से क्रिएट हुए अंडर डेवलपमेंट से अलग जो लोग प्रोग्रेस चाहते थे वो आंध्रा को छोड़ने पर भी मजबूर हैं। आमतौर से ये लोग अमेरिका जैसे देशों में माइग्रेट कर रहे हैं और दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में पिछले दस सालों से फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज तेलुगु है आज ये आंध्रा के ब्रेन ड्रेन का सबसे बड़ा कारण है जिसके लिए आंध्रा की सरकार की वेलफेयर स्कीम भी जिम्मेदार है दरअसल आंध्रा की सरकार ने बीटेक जैसे हायर एजुकेशन को 2019 से 20 में लगभग फ्री कर दिया ऐसे में स्टेट में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एजुकेशन तो आ गया लेकिन उससे एजुकेट होने वाले स्टूडेंट्स के लिए कोई जॉब नहीं क्रिएट की और ना ही हैदराबाद की तरह कोई आईटी सेक्टर बिल्ड कर पाई दोस्तों इसके चलते वहाँ के युवा बेंगलुरु हैदराबाद मुंबई और हरियाणा के गुरुग्राम जैसे शहरों में माइग्रेट करने के साथ ही साथ अमेरिका जाने को मजबूर हुए हैं फिलहाल आंध्रा में इस समय रेड्डी वर्सेज कम्मा तो चल ही रहा था लेकिन पवन कल्याण जैसे पॉपुलर लीडर्स के उभरने की वजह से कापूस भी एक अलग पावर टसल क्रिएट कर रहे हैं जैसे आने वाले टाइम में अगर पवन कल्याण कापूस को एक साथ यूनाइट करने में सफल रहे तो आंध्रा अपने डेवलपमेंट मॉडल्स के लिए नहीं बल्कि कापूस वर्सेस कम्मा वर्सेस रेड्डी की पॉलिटिकल लड़ाई के लिए जाना जाएगा लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं कि आंध्रा के पास अब पोटेंशियल ही नहीं है क्यों अपने लिए गोल्डन वे ना बना पाए अगर हैदराबाद का एग्जाम्पल लें तो उसे किसी और ने नहीं बल्कि आंध्रा से आने वाले चीफ मिनिस्टर्स ने फाइनेंशियल हब बनाया था ऐसे में आंध्र प्रदेश बतौर कैपिटल कोई ऐसी सिटी को डेवलप कर लेती है तो जल्द ही वो एफडीआई और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है दोस्तों आज आंध्रा में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बहुत पोटेंशियल देखा जा रहा है साल 2021-22 में आंध्रा कुछ एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्शन में देशभर में नंबर वन था जिसमें पाम ऑयल पपाया लाइम कोकोनट टोमेटो और चिली के साथ ही एग और फिश के प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश नंबर वन पर था ऐसे में आंध्रा की इकोनॉमी को बूस्ट करने में एग्री बिजनेस बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं साथ ही अगर एनर्जी जनरेशन की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन में आज आंध्रा देश का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाला स्टेट है जहां सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन बहुत ही बड़े लेवल पर हो रहा है और यहां तक कि स्टेट की 24 परसेंट टोटल इलेक्ट्रिसिटी की नीड भी इसी सोलर एनर्जी से ही पूरी की जा रही है देखा जाए तो इस समय वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट भी इस समय आंध्रा में हो रहा है और इस तरीके से आंध्रा 2070 तक भारत के नेट जीरो टारगेट को अचीव करवाने में बड़ी भूमिका निभाने वाला है दोस्तों एनर्जी और फूड प्रोसेसिंग के साथ ही साथ आंध्रा के पास टूरिज्म के रूप में एक बड़ा प्रॉफिटेबल सेक्टर है जिसमें तेजी से इन्वेस्टमेंट लाया जा रहा है दुनिया का सबसे रिचेस्ट टेम्पल तिरुपति बालाजी के दर्शन के नाम पर ही इस स्टेट का टूरिज्म हमेशा सदाबहार रहता है आज आंध्रा डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए तीसरा सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिसे और पुश करके वन तक भी लाया जा सकता है और इससे स्टेट का रेवेन्यू अपने आप बढ़ जाएगा लेकिन दोस्तों इन सब के लिए जरूरी है कि स्टेट में एक स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन कायम हो ऐसा देखा गया है कि जब भी किसी स्टेट की पॉलिटिक्स पर वहाँ की डेमोग्राफी का बहुत ज्यादा असर पड़ता है तो अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज अपना वोट बैंक बचाने के चक्कर में लगी रहती हैं ऐसे में जीएसडीपी फाइनेंशियल ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बेटर एजुकेशन एंड हेल्थ की जगह सिर्फ यही बात होती है कि वोट बैंक को कैसे बचा कर रखा जाए और आंध्रा में अभी बस यही हो रहा है जिसे आगे बढ़ने की जगह फाइनेंशियली और पॉलिटिकली एक अनस्टेबल स्टेट बना रहा है जिसे निपटना आंध्रा के लिए बहुत जरूरी है और इसे शायद तभी निपटा जा सकता है जब वहाँ के लोग कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर सोचना शुरू करेंगे वैसे दोस्तों आप किस मुद्दे पर राय क्या है हम इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल